हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम टेकिंग कर्सिव लेटर्स, सो टेक आउट योर इंग्लिश नोटबुक। आफ्टर इवैल्यूएशन सेकंड आई एम स्टार्टिंग कर्सिव लेटर एन। विच लेटर? एन लेटर। अभी आपकी इवैल्यूएशन टू में एम तक लेटर आए थे, ए से एम तक, कहाँ तक? ए से एम तक। तो आज मैं पढ़ाऊंगी आपको एन, कहाँ से एन। सो हमको फास्ट फास्ट कर्सिव लेटर पढ़ना है, ओके? सो यू मेक फोर कॉलम इन योर नोटबुक एंड स्टार्ट फ्रॉम विच लाइन? थर्ड लाइन। आपको पता है ना, हम कर्सिव लेटर कहाँ से शुरू करते हैं? थर्ड लाइन से। तो यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन कर्सिव एंड लेटर राइट ओनली टू लाइन, मिडल टू लाइन। कौन सी लाइन में लिखना है? जैसे आपने एम लेटर लिखा है, वैसे ही मिडल टू लाइन में कर्सिव लेटर आपको एन लिखना है। क्या लिखना है? एन। सो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, 1 2 3 थर्ड, इट इज कॉल, गो टू स्लैंटिंग लाइन एंड गो टू सेकंड लाइन एंड कम डाउन टू थर्ड लाइन, अगेन गो टू सेकंड लाइन एंड अगेन कम डाउन टू थर्ड लाइन एंड टर्न एंड स्टॉप। दिस इज द कर्सिव एंड लेटर, कर्सिव एंड लेटर। जैसे आपने देखा होगा एम लेटर आपने कैसे लिखा था, ऐसे थ्री बार टर्न करना है, लेकिन इसमें सिर्फ दो बार टर्न करना है। कितने बार टर्न करना है? दो बार। जैसे आपने एम लेटर में थ्री बार टर्न किया था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वैसे ही आपको एन लेटर में सिर्फ दो बार टर्न करना है, ओके? सो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, लिटिल गर्ल, गो टू सेकंड लाइन, कम डाउन थर्ड लाइन, अगेन गो टू सेकंड, देना है, फिर सेकंड लाइन में लीडर दे हुए
कौन सा लेटर हो गया, परस्यू एंड लेटर। देखिए इस प्रकार से छोटा सा कर्व लेके स्टैंडिंग लाइन सेकंड लाइन पर लाके फिर उसको थर्ड लाइन की तरफ घुमा के और छक्का के ऊपर लाके और उसको थर्ड लाइन की तरफ खींचा के उसको ऊपर की तरफ टर्न करना है। ये कौन सा लेटर है, परस्यू एंड लेटर। ओके अगेन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन लिटिल कर्व गो टू स्टैंडिंग लाइन एंड गो टू सेकंड लाइन एंड कम डाउन टू थर्ड लाइन अगेन गो अगेन सेम लाइन एंड गो टू सेकंड लाइन एंड कम डाउन टू थर्ड लाइन एंड टर्न। दिस इज द परस्यू एंड लेटर। थर्ड लाइन शुरू करना है लिटिल कर्व लेके उसको स्टैंडिंग लाइन सेकंड लाइन में लाना है, उसको नीचे घुमाना है और ऊपर ले जाना है और नीचे घुमाना है This is the परस्यू एंड लेटर। Start from third line, little curve and go to standing line and go to second line, again turn and come down to third line, again go with the same line and go to second line and again come down to third line and turn. This is the परस्यू एंड लेटर। हाथ उठाना नहीं है आपको, सेम टू सेम ऐसे ही परस्यू लेटर लिखना है बिना हाथ उठाए। ओके सो दिस इज द एंड फॉर नेस एंड फॉर नेट एंड फॉर नूडल्स एंड दिस इज द परस्यू एंड लेटर। ओके एंड लेटर विच लेटर एंड परस्यू लेटर। सो आई एम टेकिंग नाउ आई एम टेकिंग ओ लेटर विच लेटर ओ लेटर आफ्टर एंड लेटर विच लेटर कमिंग ओ लेटर विच लेटर ओ लेटर। सो यू राइट ओ लेटर इन यूर परस्यू नोट। सो यू राइट इन नेक्स्ट पेज इन परस्यू लेटेस्ट बुक। सो स्टार्ट फ्रॉम परस्यू का परस्यू लेटर ओ राइट इन मिडल टू लाइन। परस्यू लेटर ओ किसमें लिखना है, मिडल की टू लाइन में ही आता है तो आपको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन, आपको सभी इसमें कर्व लेना है, कर्व लेके ऊपर स्लैंटिंग लाइन ले जाते हुए ही सभी परस्यू लेटर्स है तो वैसे ही आपको वही डायरेक्शन में आपको ले जाना है। ओके सो स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन रिपीट कर स्लैंटिंग लाइन गो टू सेकंड लाइन एंड कम डाउन टू थर्ड लाइन अगेन गो टू सेकंड लाइन एंड अगेन कम डाउन एंड अगेन गो टू एंड टर्न। दिस इज द परस्यू ओ लेटर। दिस इज द परस्यू ओ लेटर। कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करना है, ऊपर ले जाना है स्लैंटिंग लाइन, उसको ही थोड़ा नीचे घुमाते हुए सी जैसा नीचे घुमाना है, उसको ही वापस नीचे तक थर्ड लाइन तक आके ऊपर घुमाते हुए उसको चिपका के उसको ऊपर की तरफ ऐसे टर्न करना है। दिस इज द परस्यू ओ लेटर। ओके थर्ड लाइन में शुरू करना है, लेकर देखिए ऊपर स्टैंडिंग लाइन की जाती है उसको थोड़ा सी जैसा घुमाना है, देखिए आप सी में घुमाते हैं परस्यू सी में, उसको ही ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ला के और उसको नीचे थर्ड लाइन को जोड़ते हुए और छोड़े हुए को जोड़ना है और उसको वहां पर लिया के ऊपर की तरफ लिया के ऊपर घुमाना है। ये कौन सा लेटर है, ओ लेटर परस्यू ओ लेटर। देखिए थर्ड लाइन में शुरू करना है, यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेना है, देखिए मेरे हाथ की डायरेक्शन की तरफ देख दीजिए, यहाँ से थोड़ा कर्व लेना है, ऊपर स्लैंटिंग लाइन निकालना है और उसको ऐसे थोड़ा घुमाना है, घुमाइए उसके बाद उसी पर से वापस ला के उसी लाइन पर से थर्ड लाइन पर लाना है और वो जो हमने छोड़ा है ऊपर का हिस्सा उसको जोड़ लेना है और ऊपर के पॉइंट तक जाके नीचे ला के ऊपर घुमा के ऐसे घुमाना है। ये कौन सा लेटर है, परस्यू ओ लेटर। कौन सा लेटर, परस्यू ओ लेटर। नेक्स्ट राइटिंग नेक्स्ट रो लिटिल कर्व स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन स्टैंडिंग लाइन गो टू सेकंड लाइन एंड सेम लाइन सी लेटर एंड अगेन गो टू थर्ड लाइन एंड गो टू सेकंड लाइन एंड कम लिटिल डाउन और ऊपर से ऊपर ले जाकर उसको छोड़ देना। ये कौन सा लेटर है, परस्यू ओ लेटर। देखिए आगे स्टार्ट करना है, उसको ऊपर स्टैंडिंग लाइन लेना है, उसको ऐसे सीधे सा बनाना है, उसी को वापस थर्ड लाइन पर लाना है, फिर उसको ऊपर चिपकाना है और उसको देखिए बीच का जो पॉइंट है उसको नीचे की तरफ अंदर से खींचना है, देखिए अंदर से और उसको ऊपर की तरफ ले जाके ऐसे घुमाना है। ये कौन सा लेटर है,
लेटर। देखिए मेरे हाथ के डायरेक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, यहाँ से लगा लेना है, फिर स्लैंडिंग लाइन ऊपर लेना है, सी जैसा बनाना है। देखिए सी जैसा बनाना है, फिर उसको ये वापस वही लाइन पर से वापस थर्ड लाइन पर ला के वो जो छोड़ा हुआ हिस्सा है उसी को चिपका देना है। उसके बाद हमको पॉइंट में बीच में आना है और ये जो दोनों के बीच का सर्कल के बीच का हिस्सा है उसको नीचे की तरफ झुका के उसको ऊपर की तरफ ला के सेकेंड लाइन में ले जाके छोड़ देना है। तो कौन सा लेटर है? परस्यू ओ लेटर। देखिए इस प्रकार से लाइन स्टार्ट करना है, उसको सेंटिंग लाइन ऊपर की तरफ ले जाना है। देखिए लुक लाइक सी लेटर सेम डिफरेंट डायरेक्शन एंड उसको भी वापस उसको थर्ड लाइन पर लाना है वही लाइन पर सी जैसा ही। उसके बाद वो जो छोटा हुआ उसको चिपका देना है। उसके बाद ये ऊपर के पॉइंट के पास जाके उसको नीचे लाना है अपनी हाथ और उसको ऊपर ले जाके ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ देना। ये कौन सा लेटर है? कर्स्यू ओ लेटर। देखिए स्टार्टिंग थ्री लाइन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड लाइन स्टैंडिंग लाइन गो टू सेकंड लाइन एंड कंप्लीटली कम डाउन टू थर्ड लाइन अगेन गो टू से थर्ड लाइन एंड मेक सर्कल एंड कम डाउन टू पीक एंड कम डाउन एंड गो टू सेकंड लाइन एंड डाउन दिस इज द कर्स्यू ओ लेटर। देखिए थर्ड लाइन